नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी F41 के बारे में। दोस्तों आपने देखा है कि जब भी दोस्तों कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले दोस्तों ए सीरीज में आ जाता है। जैसे दोस्तों मिड रेंज जो फ़ोन होते हैं जैसे ए सीरीज, एम सीरीज और दोस्तों एफ सीरीज, दोस्तों ए सीरीज जो होती है उसके दोस्तों जो फ़ोन है A50, A30 उनमें दोस्तों काफ़ी अच्छे जल्दी जल्दी अपडेट आ जाते हैं। बट दोस्तों सैमसंग का F41 जो दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ था उसमें दोस्तों इतनी जल्दी अपडेट नहीं आते। तो दोस्तों काफ़ी लोग परेशान हैं कि इस फ़ोन में जो नए नए अपडेट होते हैं वो कैसे आएंगे और कब आएंगे, क्योंकि दोस्तों A50 में भी हाल ही में जुलाई मंथ का अपडेट आ चुका है बट सैमसंग F41 में कोई अपडेट नहीं आया। तो दोस्तों ये जो अपडेट है F41 में जुलाई मंथ का, ये कब आएगा और आएगा भी या फिर नहीं आएगा, दोस्तों इसी बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखकर बिल्कुल भी स्किप ना करें, और उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सैमसंग की ए सीरीज जो है जैसे A50, A70 दोस्तों जे एक फ्लैगशिप लेवल में आ जाती है, इसलिए दोस्तों इस फ़ोन में जल्दी जल्दी हमें अपडेट मिल जाते हैं। सैमसंग के दोस्तों ए सीरीज है जिसका दोस्तों A50 जो फ़ोन था वो 20,000 रुपये से ऊपर लॉन्च हुआ था। बट दोस्तों आपने देखा है कि सैमसंग का F41 जो लॉन्च हुआ था तो उसकी कीमत 14,500-15,000 रुपये के समथिंग थी। तो दोस्तों जे जो फ़ोन है जे मिड रेंज में आ जाता है F41, और A51 जो फ़ोन है A50 जो फ़ोन है दोस्तों वो आ जाता है फ्लेक्सिबल लेवल में, क्योंकि दोस्तों उसकी रेंज ही 20,000 रुपये के समथिंग थी। दोस्तों उसमें हमें हर मंथ का सिक्योरिटी बेस लेवल अपडेट मिल जाता है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि F41 में हमें अपडेट नहीं मिलेगा। भले ही दोस्तों आपको जुलाई के मंथ में अपडेट नहीं मिल रहा है F41 में, बट दोस्तों आपको अगस्त के महीने में एक नया अपडेट मिलेगा जिसमें दोस्तों आपको सिक्योरिटी बेस लेवल है वो 1 अगस्त का कर दिया जाएगा, क्योंकि F41 में दोस्तों इतने ज़्यादा बक्स नहीं है इसलिए दोस्तों इसमें जल्दी जल्दी अपडेट नहीं आते। F41 काफ़ी पुराना फ़ोन है और 4GB रैम वाला है, ना कि 6GB वाला। तो दोस्तों उसमें थोड़े बहुत इशू आते रहते हैं, इसलिए कंपनी उसमें नए नए अपडेट देती रहती है इशू को फिक्स करने के लिए, और उसी हिसाब से दोस्तों उसमें सिक्योरिटी बेस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। बट दोस्तों F41 जो फ़ोन है वो एक पॉपुलर फ़ोन है और उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है चलने में, तो कंपनी उसमें इतनी जल्दी अपडेट नहीं देती। तो दोस्तों भले ही F41 में हमें अपडेट नहीं मिल पा रहा हो इस महीने, लेकिन अगस्त के महीने में आपको F41 में नया अपडेट जरूर मिलेगा जिसमें दोस्तों आपको सिक्योरिटी बेस लेवल बुक कर दिया जाएगा 1 अगस्त का, और छोटे मोटे अगर कोई बक्स होंगे वो भी फिक्स कर दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी F41 है और A50 भी है, तो दोस्तों मेरे पास F41 में कोई भी दिक्कत नहीं है और ना ही दोस्तों A50 में कोई दिक्कत है। तो अगर आपके पास F41 है तो आप टेंशन ना लें, अगले महीने, इस महीने ना सही अगले महीने आपको नया अपडेट जरूर मिलेगा जिसमें दोस्तों थोड़े बहुत चेंज कर दिए जाएंगे और सिक्योरिटी बेस लेवल दोस्तों वो कर दिया जाएगा 1 अगस्त का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।